रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जी ख़वातीन नौजरात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात में। मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील और हमने चूँकि हम बराह रास्त PTV लाहौर सेंटर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना रोज़ा कायम कर लिया है। और जितने भी शहर हैं जिनमें अभी टाइम बाकी है, जिस तरह कराची और कोयटा और जितने भी दीगर इलाके और शहर पाकिस्तान के अभी अगर वक्त बाकी है, जो कि यकीनन बाकी है, तो आप अपने शहर के टाइमिंग्स के हिसाब से रोज़ा कायम कीजिए। ख़वातीन नौजरात, अब रमज़ान पाकिस्तान की सहरी नशरियात में वक्त हुआ जाता है क़स्स उल-अंबिया के सेगमेंट का। ख़वातीनों साथ, आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नसीहत आमोज़ वाक़या बयान करेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद और उनके जानशीन थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी जवानी में ही थे तो उनके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला ने उनको नबूवत और सल्तनत दोनों सादतों से बहरामंद फरमाते हुए तमाम रुए ज़मीन का बादशाह बना दिया। अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दोनों को ये खसूसियत अता फरमाई थी कि वो चिरिंद परिंद की बोलियां समझते थे। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हकूमत का इम्तियाज़ ये भी था कि इनके ज़ेर नगी इंसान ही नहीं बल्कि जिन और हैवानात भी आपके ताबे फरमान थे। सब जबानों का इल्म आपको अता किया गया। रिवायत में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनों इंस और तमाम के तमाम लश्कर के साथ ताइफ या गालिबन शाम की वादी नमल से गुजर रहे थे, जहां चूंटियां बहुत ज्यादा थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अजीम शान लश्कर देखकर सरदार चूंटी ने कहा, ए चूंटियों, तुम सब की सब अपने घरों को रवाना हो जाओ, चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल दे। चूंटी की इस तकरीर को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील की दूरी से सुन लिया और मुस्कुराए। इस वाक़े को अल्लाह ताला ने सूरह नमल में बयान फरमाया। इस सूरह का नाम नमल होने की वजह भी वो आयत है जिसमें चूंटियों वाले वाक़े का जिक्र है, क्योंकि नमल अरबी में चूंटी को कहा जाता है। ख़वातीन और हज़रात, चूंटी की आवाज़ को 3 मील की दूरी से सुन लेना, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुआज़ा है। और दूसरी बात भी बहुत खूबसूरत और तवज्जो तलब कि कहीं ऐसा ना हो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर बेध्यानी में हमें कुचल डाले, ये चूंटी के सरदार ने तमाम चूंटियों को कहा। ये इंतहाई अदब से लबरेज जुमला था। चूंटी को अल्लाह ने इतने अदब और एहतराम से नवाज रखा था कि उसने कहा कि बेध्यानी में ना कुचल डालें, क्योंकि वो चूंटी ये जानती थी कि अल्लाह वाले कभी किसी पे जुल्म नहीं करते। ख़वातीन-ओ-ज़ात, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चूंटी के वाक़े के ज़मन में एक इल्मी और दिलचस्प वाक़या जो कि इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा के साथ पेश आया, आपकी खिदमत में बयान करते हुए मनकूल है कि हज़रत क़दाद जो कि एक अजीम शान मुहद्दिस और नहायत बुलंद हो पाया आलम दीन थे, एक बार आप कूफा तशरीफ़ ले गए। इनकी ज़ियारत और इल्म दीन हासिल करने वालों की बहुत बड़ी तादाद इनके इर्द गिर्द जमा हो गई। हज़रत क़दाद ने अपनी तकरीर के दौरान कई बार फरमाया कि मुझसे जो चाहो पूछो, मुझसे जो चाहो पूछो। तो हाजरीन मजलिस में इमाम आज़म अबू हनीफा भी मौजूद थे। आप बहुत छोटे थे, यानी बच्चे थे। हज़रत क़दाद का बार बार फरमाना कि मुझसे जो चाहो पूछो, ये सुनकर आपसे रहा ना गया। आपने हज़रत क़दाद से सवाल किया, हज़रत ये बताएं कि वादी नमल में जिस चूंटी की तकरीर सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए थे, वो चूंटी नर थी या मादा? ये सवाल सुनकर हज़रत क़दाद लाजवाब हो गए। फिर लोगों ने इमाम आज़म अबू हनीफा से दरियाफ्त किया तो इमाम आज़म ने जवाब दिया कि वो चूंटी मादा थी। ये सुनकर सब हैरान हो गए। हज़रत क़दाद कहने लगे, इस दावे की दलील तो दो। तो हज़रत इमाम अबू हनीफा ने जवाब दिया कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने कालत का लफ्ज इस्तेमाल किया है जो कि मोन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हजरत कदाद ये सुनकर बहुत खुश हुए और खुले दिल से इस दलील को तस्लीम किया। ख्वातीन हज़रात, ये थी इमाम आज़म के बचपन में ही इल्मियत की शान, और हमारे बुजुर्ग तमाम तर मकाम और मर्तबे के बावजूद किसी भी छोटे की बात को मानने में ज़रा सी भी देर नहीं लगाते। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम भी इनके नक्शे कदम पर चलने वालों में से बन जाएं। आमीन सुम आमीन। कल इंशाअल्लाह इसी हवाले से गुफ्तगू को आगे लेकर बढ़ते हुए क़सस उल-अंबिया के सेगमेंट में हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। जाने से पहले हमेशा की तरह यही दुआ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम नेकी का रास्ता अपना सकें ताकि हमें अपने रब की रज़ा और खुशनुदी हासिल हो जाए। अब हम अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और यासिर की तरफ बढ़ते हुए